बोलो बागेश्वर धाम के, सत्य सनातन धर्म के, हिंदू राष्ट्र के, अखंड भारत के। आपका माय फर्स्ट लो बागेश्वर धाम सरकार चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दीदी आप कहाँ से आए हो पहले ये बताओ। जी मैं हरिद्वार से आई हूँ बाबा जी के दर्शन के लिए। अच्छा दीदी ये बताइए, पहले ये पिंडाल इतना बड़ा लगाया है, कैसा लगा आपको? आपने देखा कभी आज तक इतना बड़ा? मैंने लाइफ में पहली बार देखा, और इतने भक्त लोग भी मैंने लाइफ में पहली बार देखा है। आपसे पहले भी बहुत कठिनाई हुई है, लेकिन अब बालाजी के सारी बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। अच्छा इतना बड़ा पिंडाल देखा कभी तुमने? भैया जी अभी तो हिंदू राष्ट्र बनेगा। अच्छा हिंदू राष्ट्र के बारे में क्या कहना चाहते हो, कब तक बनेगा हिंदू राष्ट्र? बन चुका है, सिर्फ मोदी जी को कहने की देर है, बस हिंदू राष्ट्र बनूंगा, मन से तो बन चुका। अच्छा मोमदन लोग भी कह चुके हैं कि हम हिंदू बनेंगे, मोमदन लोग कह चुके हैं और बन भी रहे, बन भी रहे। हाँ पाकिस्तान से भी बहन आई थी वो हिंदू बन गई। हिंदू राष्ट्र, हाँ हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र हमेशा रहेगा। अच्छा महाराज जी मैं आपको ऐसा क्या दिखाई दे रहा जो भागे चले आए हैं? महाराज जी में बहुत शक्तियाँ हैं, ये मेरी बेटी है। चलिए क्या हुआ बेटी को? बीटी कहाँ गई थी? बोरी खाओ ना। बेटी है बाबा जी का चमत्कार। क्या क्या आपके साथ? ये मेरी बेटी 8-9 दिन का खाना नहीं खाती थी, डिप्रेशन में रहती थी। अच्छा इसकी मानसिक स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है, और अब ये बिल्कुल ठीक टाइम पर खाना खा रही है। मैंने पिछले नवरात्रों से बाबा को मानना चालू किया था, और दिल्ली घर में चौकी रखी थी। दीदी के जरिए मैं बाबा जी की पूजा करती थी, और दोनों टाइम में हनुमान करती हूँ अपने बच्चे के लिए। अच्छा तो जब से मेरी लड़की का काफी आराम है। कितनी उम्र है इसकी बच्ची की? इसकी उम्र 16 साल है। 16 साल की है, बुद्धि कम है? हाँ जी। अच्छा एक भैया बात बताइए, जब सब आगे श्रद्धा से जुड़े हो, इस बहन खाना खाने लगी, बुद्धि में परिवर्तन आया? हाँ जी बुद्धि में परिवर्तन आया। अच्छा तो मेरी लड़की को ऊपरी शक्तियाँ डराती थी, मैं हर जगह गई, हर स्थान पे गई, मैं आपको बता नहीं सकती मैं 16 साल में कहाँ कहाँ फिरी हूँ अपनी। अच्छा। बच्ची के लिए मुझे पता, मैंने कभी कुछ भी चीज़ ना घर बनाया ना कुछ करा, लेकिन मैं इसके लिए पूरी जिंदगी में कहीं कहीं फिरती रही, लेकिन जो आराम मुझे यहाँ से लगा था मैंने। और पढ़ने जाती हैं? नहीं मैं लड़की पढ़ नहीं पाई, ऊपरी शक्ति की वजह से, क्योंकि कभी भी इसमें कुछ भी आ जाता है, पता नहीं क्या होता है। बाबा जानते हैं, अगर बाबा बुलाएंगे तो बताएंगे इसके अंदर क्या शक्ति आती जाती है। लेकिन हाँ मेरी लड़की की पूरी लाइफ खराब हो चुकी थी, पर है कि मेरी बच्ची खाना खा रही है अच्छा, और जब से नवरात्रों से बाबा को मैंने माना है, जब से मेरी लड़की ठीक है, कुछ भी शक्ति से परेशान नहीं करती। अच्छा और एक बात बताइए, हमारे महाराज जी कहते हैं छोटे कपड़ा पहनना मॉडल जमाना है, तो हमारी बहन से पहले नंगी हो चुकी है, हमारी बहन से तो कुछ पहनती नहीं, उसमें से मैं क्या कहोगे? महाराज जी बिल्कुल सही कहते हैं, ये तो लड़की है आजकल की, फिर कुछ अनहोनी हो जाए तो फिर दोष लगाती है घरों पर। अगर ये खुद ही एक सीमा में रहना, और तो एक सीमा है, उस सीमा में रहना चाहिए। अपने जैसे तरह के कपड़े पहले घर में पहनो ना, आगे लग के क्या तुम बात कर रही हो, ठीक है लगे तो किसी पर भी इल्जाम लगा दिए। महाराज जी सही कह रहे हैं, बिल्कुल सभ्यता में रहना चाहिए औरत जात को। अच्छा ये बताइए, इतने समिति के लिए कुछ कहना चाहोगे? हाँ जी समिति वालों ने बहुत अच्छा हिसाब रख रखा है, सभी लोगों की सारी व्यवस्था है, खाने की, पानी की और बारिश की कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी कितनी फैमिली आ जाए, कितना परिवार आ जाए, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, कुछ फिक्र नहीं है, सब ठीक है यहाँ पर, और हमें यहाँ के बहुत खुशी भी मिली है फैमिली के दरबार में। बोलो बागेश्वर धाम, बोलो बागेश्वर बाबा की जय, बागेश्वर धाम की जय।